बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है स्कीम 33 के अतराफ में पुलिस सोसाइटी में। यहाँ पे हम लगा रहे हैं 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट। सोलेक्स बेस्ड पूरा सिस्टम है, इन्वर्टर भी है और बैटरी भी IP65 है। टोटल यहाँ पे 14 सोलर पैनल्स हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह जुड़े रहें, आपको दिखाते हैं हेड टू टेल क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, पुलिस लाइन सोसाइटी का ये मंज़र है इस वक्त जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये मेन हमारा रोड है जहाँ से हम मेन होते हैं सोसाइटी के मेन रोड से, और उसके बाद ये घर है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो इस वक्त स्ट्रक्चरिंग का जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, जबकि इसके ऊपर पैनल्स का जो है वो काम अभी होगा। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पर पैनल रखे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इस वक्त इन्वर्टर जो है वो प्लेस कर दिया है, और उसके साथ हमारा मेटल का न्यू टाइप का DB बॉक्स आ रहा है, जिसमें हम इसको 13 वाला कंसीडर कर। इस DB बॉक्स के साथ जो है वो हम आज के अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रिपल पावर की लिथियम बैटरी है आज के प्रोजेक्ट में, जो कि सोलेक्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और ये IP65 रेटिंग में आती है। ब्रेकर्स और हेड टू टेल सारी चीज़ें इसमें हम टॉमसन की यूज़ कर रहे हैं, और ओरिजिनल चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, टॉमसन फिर भी जो है वो बेहतर रहता है। सो फ्रेंड्स, हमारी बैटरी जो है वो इस वक्त माउंट हो चुकी है और इसकी वायरिंग का काम हम कर रहे हैं। MCCB DC ब्रेकर हमने इसमें ऐड कर दिया है, 6 mm 744 का वायर जो है हमने इसके अंदर डाल दिया है प्रॉपर। और अभी ब्रेकर्स की वायरिंग हो रही है, जो कि अभी हमने आपको शो की थी। सोलर की वायर हम यहाँ से आर पार करके बाहर लेके जा रहे हैं, ताकि इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो और एक ब्यूटीफाई लुक जो है वो फैमिली को मिले। सो ये इनकी DB बॉक्स है जो कि बिल्कुल ऊपर आई हुई है, और यहाँ पे जो पैटर्न पहले से था वो ये था कि नीचे से 3 फेस और सिंगल फेस मीटर्स ऊपर आ रहे हैं दोनों पोर्शंस के, और यहाँ से फिर वायरिंग जो है वो दोबारा नीचे जा रही है। तो हम यहाँ पर खोल के अपने इनपुट में लेंगे और यहाँ से ही सोलर को आउट करेंगे। तो इनकी के इलेक्ट्रिक साइड की यही चीज़ें मैनेज होंगी, यहाँ पर एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं आएगी। वायरिंग वही आएगी जो DB बॉक्स के अंदर जो है वो के इलेक्ट्रिक की वायर यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए सिलेक्टर्स भी डालेंगे और यहाँ पे ब्रेकर्स भी डालेंगे, ताकि करंट का कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में रहे। अल्लाह ना करे कभी बारिश या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो कम से कम ब्रेकर्स हों जो ट्रिप कर जाएं। पैनल्स की प्लेसमेंट का काम जारी है, आपको दिखा दें कि फैब्रिकेशन की टीम जो है वो पैनल्स रख रही है। ये 2 दिन स्ट्रक्चरिंग के अंदर लगे, 1 दिन पेंट के अंदर, तो 3 दिन के बाद ये काम जो है वो आज फाइनल स्टेज में जा रहा है। तो इस वक्त पाइप प्लस गार्डर का ये स्ट्रक्चर है जिसपे 14 पैनल आ रहे हैं। तो यही कंप्लीट होता है तो आपको दिखाते हैं कि फाइनल अपीयरेंस क्या इस प्रोजेक्ट की आ रही है। सो फ्रेंड्स, पैनल्स की एक स्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, इसमें 6 पैनल्स आ चुके हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में हम 8 पैनल्स की स्टिंग अलग उतार रहे हैं और 6 पैनल्स की स्टिंग जो है वो अलग से उतार रहे हैं। तो ये आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम वायरिंग जो है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो अभी इस पर हम डायग्नोस कर रहे हैं कि कौन से फ्लोर की कौन सी वायर जा रही है, और इसके ऊपर मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे जो है वो ब्रेकर्स डाल के सिलेक्टर्स डाल के इसको फाइनलाइज़ करेंगे। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से काम आगे जा रहा है। इन्वर्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, और इस वक्त प्रॉपर एक ब्यूटीफाई लुक जो है वो आपके सामने आ रहा है। अगर यहाँ पे वाइट कलर वाला फिलोनस होता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन बहरहाल हमने अपना काम अपने सिग्नेचर स्टाइल में कर दिया है। तो आप जो ऊपर ये सिलेक्टर देख रहे हैं इस वक्त DB बॉक्स के ऊपर, ये सिलेक्टर जो है वो 102 का हमने जनरेटर के लिए लगाया है, कि घर का सारा लोड जो है वो जनरेटर के लिए बाईपास हो जाए। तो ट्रिपल पावर की बैटरी आपके सामने इस वक्त सिस्टम हमने स्टैंड बाय में ऑन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसका ब्यूटीफाई लुक जो है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सजेशन ये कि जब भी आप सोलेक्स का इन्वर्टर लें, उसके साथ सोलेक्स की ही लिथियम बैटरी को अटैच करें, तभी जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। अगर आप कॉस्ट सेविंग के लिए कोई और बैटरी लगाते हैं तो वो कंपैटिबल नहीं होगी थ्रू BMS के, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर लुक नहीं मिलेगा। तो हमारे ब्रेकर्स जो हैं वो आपके सामने हैं, जिसपे हमने मार्किंग कर दी है कि यहाँ पे सोलर के ब्रेकर्स हैं, के इलेक्ट्रिक इनपुट का ब्रेकर है, और बाकी इन्वर्टर आउटपुट का और वोल्टेज प्रोटेक्टर। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने जब इसको ऑन किया है तो तकरीबन 4:30 बजे के टाइम पे 3040 वाट के करीब आ रहे हैं, क्योंकि 14 सोलर पैनल्स हैं, और 14 सोलर पैनल्स का एक सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है कि शाम के टाइम पे, जिसे हम कहते हैं ऑड टाइमिंग के अंदर रिज़ल्ट का आना। तो इस वक्त ऑड टाइम के बावजूद काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है,
तो अगर आपके पास 1.5 टन का एसी है तो वो भी इजीली इस पे मेंटेन हो सकता है। इवन के घर का लोड जो है वो भी इस पे इजीली मेंटेन हो सकता है। तो 14 पैनल्स पे 6000 वाट, 6500 वाट तक ये सिस्टम इजीली जनरेट कर पाएगा। तो ये हम आपको वही आउटर डीबी दिखाते हैं जहाँ पे हम पहले वायरिंग मैनेज कर रहे थे। तो इस डीबी में हमने दोनों फ्लोर्स का जो है वो कंट्रोल दे दिया है। सिलेक्टर स्विच आप देख रहे हैं कि इसमें 3 फेस के ऊपर जो है वो 1, 2, 3, 4 का सिलेक्टर आया है। ये प्रॉपर हमारा डक पट्टी के साथ वायरिंग जो है हमने कोशिश की कि जितना ब्यूटीफाई तरीके से उठा सके। और इस वक्त जो आप ये पैनल्स का व्यू देख रहे हैं कि 14 के 14 पैनल्स जो हैं वो आपके सामने स्ट्रक्चर पर आ चुके हैं। 6 पैनल्स का 1 स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है। तो इस तरह से ही आज का प्रोजेक्ट हमने वाइंड अप किया। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस।